गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। आप अच्छे होंगे, बी पॉजिटिव, हमेशा खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करिए। मेरा बी पॉजिटिव कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको आप बहुत दुखी हैं और रोएं, मतलब आप रोएं नहीं, पर हाँ बिल्कुल रोइए, लेकिन हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिए। आज ऐसा दिन है, कल और भी अच्छा दिन आएगा। इसी कामना के साथ अपने आप को, खुद को खुश रखने की कोशिश करिए। आप खुश रहेंगे तो आपका परिवार खुश रहेगा, आपके बच्चे खुश रहेंगे और आपका जो एटमॉस्फेयर है घर का वो खुशनुमा रहेगा। सो लेट्स, आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। इवनिंग का वक्त हो रहा है, 4 बज रहे हैं, अब चाय का वक्त हो रहा है। मैं सुबह टाइम आपसे शेयर की थी कि मैं आज मेरी मेड नहीं आई है और मुझे बहुत सारा काम था, तो मेड तो आ चुकी आई थी, फिर काफ़ी लेट आई थी, 10 बजे के अप्रॉक्स आई थी, और फिर मुझे बाहर भी जाना था, और फिर मैंने काम वगैरह कंप्लीट किया और मेड से भी किया, और मेड फिर से हॉलीडे पे जाने वाली, फिर से छुट्टियाँ, उसके यहाँ कुछ परेशानी है, वो भी चली जाएगी। और मिस्टी शो रही थी तो मैंने कहा इस ब्लॉग को थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं, इसलिए आगे मैंने आपसे आके शेयर किया, आगे खुद नीचे आ गई, मिस्टी ऊपर सो रही है तो आराम से सो रही है, सो मैंने आज कंप्लीट कर लिया, तो ब्लॉग कंप्लीट करने के लिए बात सोच ली। अब चलिए, तो अब चलते हैं, तो चाय बनाते हैं और चाय पीते हैं, चलिए लेट्स गो। चाय और स्नैक्स हो गए हमारे रेडी, हम थोड़ा सा चाय पियेंगे और थोड़ा सा इंजॉय करेंगे। चाय को मैं इधर रख देती हूँ। सो आज मैं आपसे शेयर करना चाहती थी कि मैं कुछ मीजो से कुछ मटेरियल्स मंगाए थे, बहुत रिजनेबल प्राइस पर वहाँ अवेलेबल हो गया, मैंने मंगाया और मुझे बहुत पसंद आया। मुझे नहीं पता था कि मीजो में इतना मतलब सस्ता सामान मिल जाता है। एक्चुअली अपन मिडिल क्लास वाले हैं ना, तो हम लोग ढूंढते रहते हैं कि क्या सस्ते से सस्ता मिल जाए और अच्छा हो, जिसे हम यूज़ कर सकें। सो हम मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या मंगाया था। ज़्यादा कुछ तो नहीं, जो मैं छोटी छोटी चीज़ें मंगाती हूँ वो मैं बीच बीच में आपसे शेयर करती रहूँगी, आप इन्जॉय करिए। ये मैंने मंगाया था, ये वाला हैंडबैग मंगाया था, ये काफ़ी बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ है। इसमें यहाँ पर स्टोन्स लगे हुए हैं और यहाँ पर ये ढेर सारे स्टोन्स, कंबाइंड स्टोन्स लगे हुए हैं, ये है यहाँ पर, और इसके साथ ही एक चेन भी है इसमें मास्टर का हुआ है ये। आप इसको ऐसे भी कैरी कर सकते हैं और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज टू गुड। देखिए इसे बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। इससे मैंने ओनली 300 रुपीज़ में लिया है, ये बहुत ज़्यादा। ऐसे मैं बहुत सारे बैग में हैंड बैग्स रखती हूँ, उसमें उनमें से एक है ये, और मैंने 2 फुटवेयर्स लिए हैं, अभी अभी ऑर्डर किया था, इसलिए मैं आपसे शो कर रही हूँ। ये मेरे फुटवेयर्स को मैंने पाम से दिखा रही हूँ, जैसे मैं पैरों में भी पहन के आपको दिखाऊंगी। एक और ये बिल्कुल नहीं हुआ अभी तक, तो मैंने यूज़ भी नहीं किया है। मुझे फ्लैट्स की पहनना अच्छा लगता है, मुझे ज़्यादा वो हैवी नहीं पहन पाती मैं। ये मैंने 2 फुटवेयर्स और मंगाए हैं, ये पैरों में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं, मैंने पैरों पर भी पहन के दिखाऊंगी, बहुत प्यारे हैं। और मैंने एक सूट पीस लिया है, वो तो मुझे नहीं ज़्यादा खास लग रहा है। एक्चुअली क्या, मैंने दूसरा कलर ऑर्डर किया था और आ दूसरा कलर दिया, तो अब मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ उसे चेंज करूँ या चले। सो देखिए आप भी बताइए ये कैसा है, क्योंकि मुझे थोड़ा फीका कलर लग रहा है उसका। सो मैं दिखाती हूँ, ये सूट का मुझे येलो कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने इसे येलो कलर में दिखाया था। ये देखिए, ये इसकी चुंडी है, साथ लाइट चला रही है, ये चुंडी तो बहुत प्यारी है, इसमें गोटी लगी हुई है मुझे। ये देखिए, ये बहुत प्यारी चुंडी है, ये मुझे अच्छा लग रहा है इसे रखना। चुंडी तो बहुत स्मूथ कपड़ा है, बहुत अच्छा कपड़ा है, मैंने कॉटन का ऑर्डर किया था, कॉटन के लिए तो कॉटन तो बेस्ट है, मटेरियल मीज़ो में अच्छा होता है। थोड़ा कलर का कन्फ्यूज़न हो ही जाता है, क्योंकि हमें वहाँ पर जो मटेरियल्स दिखाए जाते हैं, जैसे हम मोबाइल पे देख रहे हैं ऐप पे, तो उसमें साइनिंग ज़्यादा होती है, तो थोड़ा डिफर तो हो ही जाता है, उस टाइप से कुछ है।
वही मुझे कुछ हुआ है, बट नहीं फिर भी मुझे ये पसंद है। ये कुर्ते का कपड़ा है और ये है सलवार का, ये देखिए अच्छा लगेगा। इसे मैं सिंपल सलवार के साथ पहनूंगी और इसमें कुर्ती पे सिलाऊंगी, फिर मैं इसे बाद में इसको भी आपको दिखाऊंगी। सो आप चलिए चाय एंजॉय करते हैं। देखिए मिस्टी सो रही है, स्कूल से आई काफ़ी थक जाती है, बहुत खेलती है, मम्मा के स्कूल जाती है पूरे टाइम खेलती रहती है और धम मचाती रहती है। बेबी हाँ? आप थक गए हो? नहीं, मैं नहीं। नीनू पूरी हो गई? और छूना है क्या? हाँ और सुना है मिस्टी को? नहीं सोना है मिस्टी की। गुड मॉर्निंग मम्मी, मम्मी हाँ बेटा मुझे दो। क्या करने वाले हो आप? पहले पहले सुनो तो, दोस्तों को हेलो बोल दो। हेलो हेलो दोस्तों, मैं उठ चुकी हूँ। उठ चुकी हूँ। दोपहर की नीनू मेरी पूरी हो गई। हाँ है ना मम्मी। और सुनो तो, आप बैठो इधर दिखाओ। आप अब क्या करोगे? दूध पियोगे? चॉकलेट मिल्क? चॉकलेट मिल्क हाँ 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 ठीक है, मम्मी लाती है चॉकलेट मिल्क लाती है, ठीक है दूध लेके आती है मम्मी। चॉकलेट मिल्क पिएगा तब तो एनर्जी आएगी बच्चा को, है ना? ये देखिए मैंने आपको व्यू कहने दिखाने के लिए बोला, ये कितना प्यारा लुक देती है ये सैंडल, बहुत ही प्यारा लुक है। नाइस, वेरी नाइस, आई लाइक इट। ये देखिए बहुत ही प्यारा लुक है, ये देखिए वाह ब्यूटीफुल। देखिए मिस्टी भी पहन के तैयार हो गई है, रेडी हो गई मम्मा की सैंडल। मम्मी मम्मी हाँ बेटा, खांसी आई है। खांसी आई है? हाँ। ओ आपको आती रहती है खांसी, अभी सो के उठी आई है, मम्मा को देख रही थी वीडियो बनाते हुए तो मम्मी दस्त आ गया। मम्मी दोसे ले लो। गुड इवनिंग गाइस। गाइज मैं ब्लॉग बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि अच्छा बनाऊँ, आप लोगों को अच्छा एंटरटेन कर पाऊँ, बट जैसा भी है कोशिश तो मैं करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोगों को भी पसंद आता होगा आएगा। और यदि गाइज मेरा वीडियो पसंद आता है तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि मेरे भी सब्सक्रिप्शन थोड़े बढ़ जाएँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है, एक प्रोत्साहन मिलता है मुझे कि मैं अच्छा कर पा रही हूँ, मैं और कोशिश करती हूँ फिर और अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। सो थैंक यू एवरीबॉडी, आप लोग हैं तो सब हैं, थैंक यू। ओके बाय, प्लीज़ मेरे ब्लॉग को देखिए और बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए मेरे ब्लॉग्स में, मैं अच्छी कोशिश करूँगी और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।